महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नई महाभारत शुरू हो गई है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव के आरोप पर एनसीपी नेता महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया। उन्होंने श्याम मानव के आरोप को सच बताया और महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। श्याम मानव के आरोपों पर अनिल देशमुख ने कहा कि श्याम मानव के आरोप सही हैं। उद्धव परब अजीत पवार को फंसाना चाहते थे फडणवीस, चार नेताओं को फंसाने की साजिश जो है वो की गई थी। श्याम मानव ने आरोप लगाया था कि कोई नेता अनिल देशमुख को ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए ऑफर दे रहा था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब इस आरोप को अनिल देशमुख ने सही बताया। आरोप लगाया कि जिस नेता का जिक्र श्याम मानव ने किया है वो कोई और नहीं बल्कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में फंसे हुए हैं, फिलहाल जमानत पर अभी हैं। और अभी उनकी ओर से ये आरोप लगाए गए देवेंद्र फडणवीस पर। श्याम मानव की ओर से तो ये कहा गया था कि एक नेता की ओर से यहां पर ऑफर दिया गया था और अब अनिल देशमुख ने वो नाम साझा कर दिया है। श्याम मानव जी ने जो बताया वो एकदम सही है। 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठे आरोप करने के लिए लगाया था, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल परब इनके खिलाफ में आप एफिडेविट हमको करके दो, लिख के लाया था उन्होंने। मैंने एफिडेविट करने से देवेंद्र फडणवीस को इनकार कर दिया। तो उनका ये कहना है कि श्याम पर अपने जो भी आरोप यहाँ पर लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। आज से 3 साल पहले मुझे ऑफर दिया गया था देवेंद्र फडणवीस की ओर से और इस बात का आरोप उनकी ओर से लगाया जाता है।